हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो भाई बेल्टोन के जितने भी लोग न्यू रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं, जो भी भाई लोग बेल्टोन के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ बेल्टोन के आंसर की। ठीक है, बेल्टोन के एग्जाम में जो पूछा गया था वही आंसर की है, उसका पीडीएफ है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन बेल्टोन के एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, अगर आप लोग बेल्टोन के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बेल्टोन के एग्जाम में किस तरह का एग्जाम लिया जाता है, किस तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन को कवर करने के लिए इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखना, पूरा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पता चल जाएगा आंसर की देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बेल्टोन के आंसर की पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका टोटल मार्क्स 16 आया है, 60 क्वेश्चन में से यहाँ पे 16 मार्क्स लेके आया है। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, एक वर्कशीट सेल के प्रतिशत को 10 वल्लभ के अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया था, यदि उस सेल में इनपुट मान 123.45% है तो प्रदर्शित मान कितना होगा, 123.45%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मार्क्स इस नंबर एक नंबर से इसको कोई मार्क्स नहीं मिला है, क्योंकि इसने 2 नंबर चूज किया था, जो कि इसका राइट आंसर तीसरा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हरा कलर का आपको शो होगा ये उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे साइड में दिया होगा, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे 0 नंबर मिला, तो इस तरह का होता है आंसर की। सेकंड क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में क्या दवा का स्पेलिंग और ग्रामर को जांच किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा F7। एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्स वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, वर्कशीट डिलीट करना है। ठीक है, चौथा, मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मार्जिन करने के लिए हम डेस का उपयोग करते हैं, डेटा सोर्स। एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो या पंक्ति जिसे कहते हैं संख्या कितनी होती है, 10,48,567, इसको याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10,48,567, इसको याद कर लेना। एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ डैश विकल्प है, सिर्फ 2 विकल्प, निम्नलिखित में से विषम पहचान है, बूटस्ट्रैप। ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बूटस्ट्रैप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा आपका, दूसरा बूटस्ट्रैप। उसके बाद आठवां है, डीएलएल का पूर्ण रूप क्या है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से विषम चयन करें, टच स्क्रीन सबसे अलग है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम चयन करें, एरियल, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सारे स्टाइल और बाकी। ठीक है, एमएस वर्ड में गटर मार्टिन शब्द है, वाइटिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट 2016 में अमान्य विकल्प है, पेज इंस्ट्रक्शन डिकोडर डेस्क का हिस्सा है, सीपीयू। प्रत्येक स्लाइड में अलग अलग समय को प्रस्तुत करने के लिए डेस्क का उपयोग होता है, स्लाइड ट्रांजिशन बटन।
था स्पीड और पैंट्स, क्योंकि वीडियो जल्दी करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, एमएस एक्सेल 16 में कस्टम सेटअप जोड़ा मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, नॉर्मल, वाइस, नोमो, सामान्य, चौड़ा, सकड़ा। वीडियो थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। नया समय दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डेस्क का उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल। प्रॉक्सी सर्वर निम्न में कौन सा सेवा प्रदान नहीं करता? नेटवर्क सर्विलर। एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोने पर मेन्यू बटन है, जिसे डेस्क कहा जाता है। फाइल एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन श्रेणी है, मैथ एंड त्रिकोणमिति। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू को विकल्प करना चाहिए, इंसर्ट। एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट विकल्प चयन है, रिव्यू। एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूद वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अलर्ट यस, और जैसा सेव होता है ये गलत है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज चयन के लिए इसका उपयोग करता है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड सुरक्षित करने के लिए डैश विकल्प करना चाहिए, फाइल मेन्यू। एमएस एक्सेल 2016 में कॉर्टेक्स विकल्प मेन्यू के अंदर उपलब्ध होता है, रिव्यू। यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन जो है एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड है? एक। उसके बाद एमएस एक्सेल में कंजुक्टिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए वांछित रो का चयन करें और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल बी दबाएं। ठीक है, उसके बाद है किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाला ऑर्गेनाइजेशन संग्रहण, जिसे कहते हैं, का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो डैश में डालना चाहिए, स्लाइड मास्टर में। स्लाइड मास्टर एक ऐप है, यानी कि इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है? जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने अगले पंक्ति में चले जाता है। ठीक, उसके बाद है एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप। एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जाता है? 72 डिफॉल्ट साइज है, 72। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? स्लाइडेड इटैलिक। मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? पीसीआई। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल है हार्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम का माध्यम भाग, यूएसबी 2.0 डैश का उच्चतम स्तर है, 480 MB/s। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? ऑटो फिट रो साइज। ठीक है, उसके बाद है 41वां क्वेश्चन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश संबंधित है, रिकॉर्ड के लॉजिक स्ट्रक्चर से, तार्किक संरचना। उसके बाद WW ब्राउजिंग के लिए डैश का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, HTTP। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह के उपलब्ध विकल्प कौन सा है? डेसिमल पावर स्टाइल। उसके बाद 44वां क्वेश्चन है, मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में तीन ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। यूज करेक्टर डॉक्यूमेंट स्टार्ट
फॉर्म डॉक्यूमेंट, ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड विकल्प है? वेल साइकिल, जीरो एक एक दो चार तीन नौ, और एक स्मूथ लाइन स्टार चार्ट बनाते हैं तो फिर एम एस एक्सेल में वर्क आकार क्या होगा? एक पर वाला है, क्या हो जाएगा? एक पर वाला। दूसरा क्वेश्चन 47वां है, एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फ्रेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। छह फ्रेजेस कोड उपयोग सोर्स का होता है। निम्नलिखित विकल्प में से विषम का पहचान करें, SAP। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आता है मॉडेम। एमएस एक्सेल वर्कशीट से सेल से बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इसक्यू को डैश विकल्प में संबंधित किया जाता है। टेक्स्ट रैपिंग। एमएस एक्सेल में फॉर्मुलाइज के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? LCA, ठीक है। इसके बाद है 53वां क्वेश्चन है, एक लोटा डेस्क के लिए जिम्मेदार होता है? एग्जीक्यूटिशन के डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम को लोडिंग। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? डायरेक्टरी, लेडर, एनवेलप, लेवर्स, ईमेल्स। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान के संदर्भ में चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प चयन करें। चौड़ाई बढ़ाने के लिए विड्थ में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मेल मर्ज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल डिफॉल्ट नहीं है? पिन। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए में से कौन सा वेद विधि है? डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड पर डबल क्लिक करें। 202 121 75 96 जो एक क्या है? आईपी एड्रेस कौन सा क्लास का है? सी क्लास का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज का ओमान डेटा स्रोत है? पावर पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? बॉटम लेफ्ट में, नीचे। बॉटम मतलब नीचे, उसका लेफ्ट में, ठीक है। वहाँ पे आपका एमएस एक्सेल का जो वर्कशीट का नाम होता है वहाँ आपका लिखा रहता है, ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बेल्टॉन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।